आंकड़ों में हलचल थी, हमने सुबह जिस तरह के रुझान आए थे और एग्जिट पोल जो बता रही थी कि कांग्रेस की बहुमत है वो नहीं हुआ है, और अभी जो बहुमत का आंकड़ा है बीजेपी की झोली में जाता साफ दिख रहा है। देखिए हमारे साथ विपुल गोयल मौजूद हैं और फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ा है। सर ये तो क्लियर हो गया है, इस सीट का तो क्लियर हो गया है कि जीत कौन रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जीत है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से चुनाव को लड़ा पूरा एक संगठन ने सबने मिलकर, तो मैं कहता हूँ सभी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, फरीदाबाद के लोगों की जीत है। सर एक ट्रेंड देखने मिला है सुबह से जब हम रुझानों को मॉनिटर कर रहे हैं कि जो हरियाणा में जो शहरी सीटें हैं उन पर बीजेपी की बहुमत है, शहरी सीटों पर पकड़ है बीजेपी। देखिए शहरी सीट हो चाहे गांव की सीट हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास जिताया है। हरियाणा की जनता ने 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था उस पर विश्वास जताने का काम किया और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है और 50 से 60 ज्यादा सीटें लेकर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। सर जिस तरीके का आंकड़ा अभी कुछ देर पहले आ रहा था उसके बाद एबीपी न्यूज ने भूपेंद्र हुड्डा जी से भी बात की और उनका कहना है कि जब फाइनली आंकड़ा सेटल होगा सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, तो विपक्षी पार्टी अगर इस तरीके की बात ना कहेंगे तो किस तरीके से चुनाव लड़ते। उन्हें भी पता था कि जो लोकसभा के अंदर झूठ फैलाकर जो उन्होंने दलितों के खिलाफ, महिलाओं के लिए जो झूठ बोलकर जो वोट बटोर रहे थे वो वोट वापस चले गए, वो समझ गए और झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सर अगर ये आंकड़ा यहीं पर सेटल होता है और सरकार यदि साफ तौर पर बीजेपी की बनती है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सैनी होंगे, हमारे तो डिसाइडेड है, ये सब कांग्रेस का वो है कि कौन बनेगा, लड़ाई झगड़ा जूतम बाजार, हमारे यहाँ तो नेतृत्व तय करता है, उसने तय कर दिया कि नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री। विपुल जी आखिरी सवाल, जिस तरह के रुझान हम देख रहे हैं 40-45 के करीब सीटें बीजेपी की सेटल हो रही है, कांग्रेस का भी हालांकि कुछ ज्यादा फासला नहीं है, यदि ऐसा होता है कि एक हंग असेंबली होती है तो जो बागी कैंडिडेट्स थे उनका क्या रोल समझा जाए? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी, कोई किसी तरह का पशुपेश नहीं। बहुत शुक्रिया विपुल जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए आप विपुल गोयल को सुन रहे थे, यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और विपुल गोयल खुद भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, कहना है कि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं वो कहाँ पर सेटल होंगे ये देखना होगा। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ मैं रिया जातुष्करण, एबीपी न्यूज हरियाणा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.